सोमवार की रात हुई युवक पर प्राण घातक हमले के विरोध में जैन समाज ने सौंपा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन। स्थानीय बतासे वाली गली में सोमवार की रात्रि 10 बजे के आसपास अनूप जैन नामक युवक पर उसके ही घर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू से प्राण घातक हमला कर दिया गया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि जब वह घर के गेट लगाकर अंदर गया तो देखा सीढ़ी पर कोई अज्ञात व्यक्ति बैठा हुआ है। जैसे ही उसने उसके बैठने का कारण पूछा तो उसने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद वह जान बचाने के लिए बाहर भागा। वह लोगों से मदद मांगी लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। इस मामले को लेकर जैन समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अज्ञात आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। अधीक्षक महोदय को ये ज्ञापन देने आए थे 15 तारीख को रात्रि में 10:15 बजे हमारे जैन समाज गुना के महामंत्री महाराज श्री की सेवा करके लौट रहे थे। 10:15 बजे उनके घर के अंदर उनके बेटे के ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ है और प्राणघातक हमला हुआ। उनको मंत्री तो ऊपर चले गए, उनका बेटा चैनल में गेट लगा के जा रहा था। जीने पर एक वारदात करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने उस बालक के गले में चाकू मारा। केवल भगवान की कृपा थी इसके कारण से उसके प्राण बचे हैं। वो अभी एडमिट है और ये हमला करने वाला व्यक्ति उनके घर की छत के ऊपर से भागा है। 3 मंजिल ऊपर चढ़ने के बाद वो व्यक्ति भागा है। हमें ये शक है कि निश्चित कोई जानकार व्यक्ति या जिसने पूरी रेखी करी है वो व्यक्ति ये वारदात करने आया था। हमने पुलिस चौकी वहाँ से सिर्फ 50 कदम की दूरी पर है, तो ये वारदात गुना के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। समाज में बहुत आक्रोश है। हमने महोदय से निवेदन किया है कि इस अपराधी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और इसको तुरंत सजा हो, अन्यथा समाज में ये आक्रोश बढ़ता जाएगा और आगे एक आंदोलन की स्थिति निश्चित ही निर्मित हो जाएगी। तो क्या आश्वासन मिला आपको? अधीक्षक महोदय ने ये कहा है कि निश्चित ही 2-3-4 दिन के अंदर वो व्यक्ति ट्रेस हो जाएगा और पुलिस कार्रवाई कर रही है।